सो अभी हम लोग गौरव के बर्थडे के लिए जा रहे हैं यहाँ पे एक रेस्टोरेंट में। तो ये नमाज को करना आगे आंटी और गौरव बैठे हैं। तो गाड़ी में दो तरह के होते हैं, एक होता है एकदम ऐसे रिलैक्स चिलैक्स भाई, और दूसरा ये मतलब थोड़ी देर में ये गाड़ी चलाएगा आगे, तो ऐसे देख रहा है कि यही कंडक्टर यहाँ से बताएगा कि इसको क्या करना है क्या नहीं करना है। ट्रैफिक देख लो भाई, मजा आ जाएगा। कर्मा पीछे हो जाओ, देखो या तो ऊपर से देखेगा या आगे से देखेगा, इसको देखना है। इसको साइड व्यू नहीं पसंद है, इसको ऊपर और आगे का व्यू चाहिए होता है। गाड़ी चला लिया कर, रेस्टोरेंट में पहुंच गए हैं एंड सॉरी ब्रूरी में पहुंच गए एंड लुक एट दिस, दिस इज द अरेंजमेंट, इट्स सो प्रिटी। बट मैंने उन्हें कहा थोड़ा यहाँ पे लाइट ऐड कर दो ताकि मेरी फोटोज अच्छी आ जाए। और गौरव को देखो, गौरव कैसा लगा? सो लुक एट द फ्लावर अरेंजमेंट, सो ये रहा पूरा इनका टेबल अरेंजमेंट, लुक एट दिस सो ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे ये फाउंटेन लगा हुआ है, इतना प्यारा है, तो मैं इन दोनों को यहाँ पे दिखाने के लिए लाई हूँ। मैं हमेशा इन्हें नई जगह नई चीज़ें से इंट्रोड्यूस कराती हूँ। दो इन्होंने फाउंटेन देखा है बट ऐसा वाला नहीं देखा है। एंड लुक एट देयर फेस, इट्स सो ब्यूटीफुल। देखो इसको, ये तो बेस्ट पार्ट अबाउट दिस एरिया या ये वाले लोकेशन की ये है कि ये पेट फ्रेंडली है एंड इनके पास डॉग का मेन्यू भी है, डॉग के लिए बॉल्स वॉल्स भी है एंड आराम से दे कैन बी फ्रीली, दे हैव वन एरिया जहाँ पे आपके डॉग्स आराम से रह सकते हैं ताकि कोई इन्हें डिस्टर्ब ना करे और ना ही ये किसी को डिस्टर्ब करे। करो आंटी, अरे आंटी करो, कर रहे थे अभी आंटी जाएंगी मेरे साथ अंदर, वहाँ पे डांस करेंगे हम लोग, हम लोग सारे के सारे। यहाँ पे है शायद कुछ एक क्लब टाइप का है, इधर पे है शायद, देखेंगे फिर सारे के सारे डांस करेंगे। मेरे को इंक्लूड नहीं करना, क्यों? तुमको नहीं, तुम्हारा बर्थडे है, तुम्हारे को तो पक्का इंक्लूड करेंगे। मेरा बर्थडे है क्या? पता ही नहीं चला। अच्छा, पता नहीं चला क्या है? योगर्ट रिसोटो जिसको देंगे, आप सर्व कर दीजिए। मैं आसकी गमो, कौन खाएगा? ओहो कौन खाएगा? इधर देखो, इधर स्मेल करो, देखो तुम नहीं खाओगे तो मैं खा लूंगी। कौन खाएगा? ये आ गया गौरव का केक अभी, एंड गौरव को ये था कि मेरा केक नहीं कटवाया, केक नहीं कटवाया। एक्चुअली घर में भी जो केक रखे अभी तक कटवाए नहीं है उसके, नहीं उसमें कैंडल जलाना है। यस यस प्लीज। जब भी कैंडल जलाते हैं ना तभी हवा इतनी तेज आती है, अभी तक हवा नहीं चल रही थी यहाँ पे, अभी कैंडल जलाया तो हवा चल रही। हैप्पी बर्थडे टू डियर गौरव, वो कब से क्लैपिंग बजाने के लिए है, मैं वेट कर रहे हैं। टू यू कर्मा, नहीं वो कुछ नहीं कर रहे थे, तो ये कट कर दिया। एंड ये हमेशा जब भी केक कटवाना होता है ना तो इसको ये कुछ बकवासबाजी करनी ही होती है फॉर श्योर। ये उनके पीछे पीछे घूम रहा है और ये बेचारे खड़े थे क्लैपिंग करने के लिए। हाँ हो रहा है क्या? ठीक है, केक इज गुड, केक भालो हम बट শুধু মাত্র আপনার জন্যই বানানো হয়েছে, আমাদের কেক নেই, মেনুতে নেই। শুধুমাত্র আপনার জন্য, হ্যাঁ ফর ইউ অনলি, বিকজ উই ডোন্ট হ্যাভ ইনাফ মেনু। নো ইটস রিয়েলি নাইস আ কেক, एक्चुअली पहले वीडियो लेने भूल गई बट बहुत टेस्टी केक है यार, मजा आ गया। एक्चुअली सुबह से जितने केक खाए उससे बहुत अच्छा है वो। देखो तो आंटी ये केक के ऊपर के जो सारे हैं उठा उठा के खा गई, ये देखो, और वो बीच में से आया हुआ है, ये आंटी का मोटा पे का लाल, और ये देखो बीच बीच में ये आके वहां से खाया जा रहा है। ये देखो गौरव ने लगाया अपने, ये धन्नो बनाया हमारा गौरव, ये देखो कितना सुंदर लग रहे हो तुम्हें पता है, तुम मस्त लग रहे हो। और इन दोनों का आ गया अभी राइस एंड फिश। सो ऑस्कर स्मेल सुन के पहले ही खड़ा हो गया, कहाँ है ऑस्की, जाओ
टाइम है आपका? अच्छा अच्छा, सही है ये। यहाँ पे आंटी भी यहाँ पे रेस्टोरेंट में आके जब कर रही है। बेटा जी थैंक यू सो मच BLR ब्रूरी, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल अरेंजमेंट। आई विश ये सुबह होता तो मैं आपको दिखा पाती, बहुत सुंदर है, बट इट्स नॉट विजिबल इन रूम्स। मुझे सोने का मन कर रहा है, मैंने सोने का मन नहीं कर रहा है, सोना है, बट मैं यहाँ पे नीचे सो रही हूँ एंड गौरव एंड आंटी ऊपर सोए हुए हैं, क्योंकि आई थिंक आई नीड सम मी टाइम विद ऑस्कर, आई मीन अस टाइम विद ऑस्कर। एंड ये देखो कैसे टांग चौड़ी करके पड़ा हुआ है। बट एनी वेज मेरे को मुँह धो के आना है, तो ऑस्की मैं मुँह धो के आ रही हूँ, ठीक है? ऊपर जाके मुँह धो के आ रही हूँ, मैं उसे हमेशा बताती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। ओके देखो आंटी सुबह सुबह उठ गई, खाना भी बना दिया और अब जा रही हूँ घर वापस, क्योंकि मोहल्ले आ। अच्छा क्या है, क्या है आंटी? जा रही है, जा रही है, जा रही हूँ, जा रही हूँ मैं, टाटा कर दो। कम ऑन, चलो आंटी रेडी है एंड ये दोनों यहाँ पे बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं, है ना? और उसके को देखो, और उसके को देखो, ये एकदम एंजल की जैसे स्माइल किया है, थे एंजल है। और वो बैठा हुआ पीछे, क्योंकि यहाँ पे एक फिराक लगा के बैठा हुआ है कि कभी ये बाहर निकलेगा और इसके साथ वन ऑन वन होगा। यहाँ पे देख रहे हो, वो भी तब से यही खड़ा है, उसको झगड़ना है बस। हाँ ओके गुड बॉय, कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। हाँ चलो बाय कर दो, बाय कर दो, बाय कर रही है, छोड़ दो, बाय कर दो, बाय कर दो, आ जाओ बहुत सोई हूँ, पता नहीं क्यों सोई हूँ, बहुत थकान हुई दोपहर में। मैं मतलब सुन रही थी कुछ पॉडकास्ट, एक्चुअली मैं एक बुक सुन रही थी जो मुझे पढ़नी है, अभी तक मैं पढ़ नहीं पाई हूँ। लाइफ ऑफ योगी, योगानंद की बुक है वो, मैंने मुझे पढ़नी है, मैं अभी आई होप जल्दी से पढ़ सकूँ वो मैं। बट एनी वेज कुछ मुझे लोगों ने क्वेश्चन पूछे कि मैं कहाँ से हूँ, तो पहले बात मैं बंगाली नहीं हूँ, गौरव है बंगाली, मैं हूँ मारवाड़ी। बट देन हम लोग एयरफोर्स फैमिली में पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं, तो हमारे में कोई ऐसा नहीं है कि हम एक ही जगह से, हम हर एक जगह से बिलोंग करते हैं। मैं दिल्ली में भी रही हूँ, मैं गुड़गांव में भी रही हूँ, मैं अलाहाबाद में भी रही हूँ, मैं कोयम्बटूर में भी रही हूँ, मध्य प्रदेश में भी रही हूँ, बहुत सारी जगह पे, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे रही हूँ, तो हमारे अंदर सब जगह के कल्चर होते हैं। दूसरा यहाँ पे मुझसे लोग पूछते हैं कि मैं आंटी को आंटी क्यों बुलाती हूँ। हमारी फैमिली ना टिपिकल हाउस होल्ड नहीं है, हमारी फैमिली, मैं सच बता रही हूँ, इतनी थैंकफुल हूँ कि गौरव के पेरेंट्स भी ऐसे हैं और मेरे पेरेंट्स भी ऐसे हैं। ना गौरव मेरी मम्मी को ऐसे बोलता है कि मम्मी मम्मी, या फिर ना मैं ऐसे बोलती हूँ, और हमें किसी चीज़ को फोर्स नहीं किया जाता है कि घर में तुम ऐसे करो या तुम्हें ऐसे रहना है, तो या तुम्हें ये बोलना है या तुम्हें वो बोलना है, मन में जो श्रद्धा है ना वैसे करो। एंड ये जो थिंग है, ऐसा नहीं है कि मेरे घर में ऐसे है, मतलब गौरव के घर में ऐसे है, मेरी मॉम भी ऐसे हैं। जैसे मेरे भाई की जो वाइफ है, उसको भी हम लोग कभी फोर्स, मतलब मेरी मम्मी फोर्स नहीं करती कि मुझे मम्मी बुलाओ या ये बोलो या वो बोलो, वो भी आंटी बोलती है। मेरा भाई भी उसके पेरेंट्स को आंटी अंकल बोलता है। एंड हमारे यहाँ पे कोई भी चीज़ कभी भी फोर्स नहीं की जाती है, हमें, हम जैसा जीना चाहते हैं, हमें हमारी लाइफ की बहुत फ्रीडम मिली है, एंड जिसके लिए मैं थैंकफुल हूँ, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोगों को इतनी फ्रीडम नहीं मिल पाती द वे दे वॉन्ट टू लिव देयर लाइफ। सो हमारे पेरेंट्स, मॉडर्न पेरेंट्स मैं ये बोलूँगी, एंड आई एम वेरी थैंकफुल इवन आफ्टर वो इतने डिफरेंट सेंचुरी से बिलोंग करके, वो इतना मॉडर्न चीज़ों को लेके कभी हम बिलीव ही नहीं कर सकते कि वो, मतलब सोचा ही नहीं था कि वो इतने मॉडर्न होंगे, इतनी चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे, एंड दे अप्रिशिएट थिंग्स, दे डू नॉट फोर्स अस कि तुम्हें ऐसे रहना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये पहनना है, तुम्हें वो करना है, तुम्हें उठ के कुकिंग करनी है या तुम्हें ये करना है, कभी कुछ ऐसा नहीं होता हमारी फैमिली में। हमारी फैमिली इज सच अ कूल फ्रेंडली फैमिली, आई एम इम्प्रेस्ड सीरियसली। तो आज तक कभी ऐसा नहीं बोला आंटी ने मुझे कि तुम सुबह जल्दी उठ जाओ पूजा, या तुम उठ के खाना बनाओ, या ना ही मेरी मम्मी ने बोला है कि गौरव तुम्हें ऐसे रहना है या गौरव तुम्हें ये करना है या वो करना है। और नीदर दिस थिंग हैपन्स इवन विद माई जो ब्रदर की वाइफ है, उसके साथ भी कभी ये सारी चीजें नहीं होती है।
दे आर वेरी 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 नाइस पेरेंट्स एंड कभी कभी देख के ऐसे लगता है कि अरे वाह हम लोग इतने लकी हैं हमें ऐसे पेरेंट्स मिले इतने अच्छे. हमेशा सुबह उठ के आंटी हमारा खाना बना देती है, मैं उठती नहीं हूँ एंड आंटी समझती हैं उस चीज़ को. हम लोग काम कर रहे हैं, हमारी लाइफ इज़ नॉट लाइक 80s की लाइफ या 70s की लाइफ जो हमें रहना है. हम लोग डिफरेंट वे ऑफ लाइफ रह रहे हैं एंड उसको अडेप्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. नॉर माई मॉम जो मेरे भाई की वाइफ है उसको कभी बोलती हैं कि तुम उठ के ये करो या वो करो, क्योंकि मेरी मम्मी का भी ये मानना है कि वो इतना दिन में काम करके आते हैं, बेचारा इंसान उठ के ये सब करेगा. कि उन्होंने एक तरह की लाइफ जी थी बट वो नहीं चाहती कि वैसी लाइफ उनके बच्चे जिए. एंड हमेशा मेरी मम्मी ये चीज़ बोलती है. आंटी का इस बात पे कभी डिस्कशन नहीं हुआ बट आंटी हमेशा ये बोलती है कि पहले जैसे रहते थे वो अलग है, तुम लोग जैसे रहते हो वो अलग है, और हम लोग तुम पे फोर्स नहीं कर सके कि तुम्हें ऐसी लाइफ जीनी है. तो इस मामले में ना हम लोग बहुत 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 ज़्यादा लकी है. इवन ऑस्कर कर्मा को हम जैसे रखते हैं, बहुत सारे जो फैमिली है वो सपोर्ट नहीं करती हैं और मुझे शॉकिंग लगता है क्योंकि हमारी फैमिली इज सो वेलकमिंग अबाउट ईच एंड एवरी थिंग हम लोग अपने लाइफ में करते हैं कि मेरी लाइफ में ना कुछ हो या ना हो हमारी फैमिलीज नज़र ना लगे. इज मतलब आई एम सो थैंकफुल कि ओनली ऐसा नहीं है कि मेरी ही फैमिली या गौरव की फैमिली, हम दोनों की फैमिली ऐसे है. तो हमारे पेरेंट्स आर लाइक मॉडर्न पेरेंट्स एंड आई होप सबको ऐसे पेरेंट्स मिले. आई होप सबको इतनी फ्रीडम मिले लाइफ में. मैं जब मल्टीपल लोगों से बात करती हूँ तो काफ़ी डिफरेंट रिलेशनशिप होते हैं, काफ़ी डिफरेंट वे में किया जाता है, बोला जाता है, बट हमारे घर में कोई भी चीज़ के लिए कभी फोर्स नहीं किया जाता. सो दैट्स हाउ वी आर. एनीवेज गाइज, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड इसी तरह आप सपोर्ट करते रहिए. एंड अगर आपको हमारा फैमिली कॉन्टेंट भी पसंद आ रहा है, आई डेफिनेटली लाइक टू शेयर एंड टॉक मोर अबाउट इट आप लोगों के साथ, ताकि एक डिफरेंट परस्पेक्टिव भी मिले हमारे लाइफ में. एंड आज का कमेंट ऑफ द डे ये है, थैंक यू सो सो मच अगेन. एंड हर दिन हम कमेंट ऑफ द डे पोस्ट कर रहे हैं. आई रीड ऑल योर कमेंट्स, बिजी रहती हूँ तो सबका रिप्लाई नहीं कर पाती बट रीड सबको करती हूँ. एंड इसी तरह से लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए ताकि इस तरह की डिफरेंट फैमिली भी ना आगे जा सके.